हाय गाइस, आज हम लोग जानेंगे कि पैरामीटराइज्ड क्वेरी में आप किस तरीके से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। अगर सिंपली रिट्रीव करना हो सभी डेटा को, फिर तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, बिकॉज उसमें सिर्फ हम लोग इतना ही लिखते हैं क्वेरी के सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, वहाँ कहीं भी आपको कोई पैरामीटर पास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सो पैरामीटर पास करने की आवश्यकता आपको तब पड़ेगी जब आप वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जैसे कि फोर पास किया गया, ये बेसिक वाला कोड है हमारा, इसको अभी हम लोग पैरामीटराइज्ड क्वेरी में लिखेंगे। सो ध्यान रखिएगा कि जनरली अगर आपको सभी डेटा रिट्रीव करना हो, फिर आपको पैरामीटराइज्ड क्वेरी हो, आपका बेसिक सा कोड हो या फिर कोई और हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप इस तरीके से पैरामीटर के लिए जरूरत पड़ती है, मतलब वेयर क्लॉज का आप यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पर जो वैल्यू है फोर, ये डायनेमिकली चाहिए होगा, तो उस केस में पैरामीटराइज्ड क्वेरी का यूज़ करते हैं। तो उसी वही हम लोग देखने वाले हैं कि पैरामीटराइज्ड क्वेरी का यूज़ करके आप कैसे रिट्रीव कर सकते हैं सिंगल रो विथ वेयर क्लॉज। सो पहले इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करने के बाद हमने कनेक्शन जो बनाना था वह जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही बना लिया, तो कोड बिल्कुल सेम है। यहाँ पर बेसिक कोड में हमने लिखा हुआ है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट टेबल से ये सारी चीज़ सिलेक्ट करो, कौन सी रो की जिसकी स्टूडेंट आईडी 4 हो, तो सिर्फ एक सिलेक्ट होगा, जिसकी भी आईडी 4 होगी वह सिलेक्ट होगा, उसका सभी कॉलम सिलेक्ट होगा। और फिर कर्सर ऑब्जेक्ट हमने बनाया, फिर हमने एग्जीक्यूट करवाया, फिर हमने फैच वन लिखा। फैच वन इसीलिए बिकॉज हमें एक ही डेटा मिलने वाला है, एक ही रो मिलने वाला है, देन उसको हमने प्रिंट कर लिया। आप चाहें तो इस प्रिंट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, देन ये हमें टोटल रॉस दिखाएगा कि कितना, वैसे तो एक ही होगा बट आप चाहें तो इससे देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको मिलेगा अनेबल टू रिट्रीव डेटा, देन कर्सर को क्लोज कर लिया और हमने क्लोज कर लिया है अपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट को। तो ये वाला तो ईजी है, इसको मैं अगर सेव करूँ, सेव करने के बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने से पहले जरा एक बार डेटा देख लेते हैं। तो MySQL में हम लोग चलते हैं, MySQL कमांड लाइन मैंने ओपन किया, इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारा जो डेटाबेस है उसको मैं यूज़ करूँगा, देन हम लोग यहाँ से सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट अपना क्वेरी लिखेंगे। तो मेरे पास 1, 2, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, 7 है। मान लीजिए कि मुझे 11 नंबर जिसकी स्टूडेंट आईडी है उसका डेटा पूरा देखना है, तो मैं यहाँ पर 11 लिखूँगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आप जिसकी स्टूडेंट आईडी यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं उसका डेटा आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर आउटपुट नहीं मिलेगा। सो मैंने 11 का सब डेटा रिट्रीव करने के लिए बेसिक सा कोड है मेरा, इसको मैंने लिखा, मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैंने इसको किया रन, तो हमें 11 नंबर में जो भी डेटा था वह डेटा हमें रिट्रीव होकर मिल जाता है। इसी को हमें डायनेमिक मतलब पैरामीटराइज्ड क्वेरी का यूज़ करके अचीव करना है। जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ लिखेंगे परसेंट एस, बिकॉज हम लोग पहले टपल यूज़ करेंगे, तो परसेंट एस मैंने लिखा। उसके बाद यहाँ पर एक मैं उसे तो मैं डायरेक्टली यहीं पर लिख सकता हूँ, अगर मैं कॉमा देकर ऐसे लिख दूँ कि कौन सा 11 नंबर, तो 11 कॉमा ऐसे सेव किया। सेव करने के बाद अगर हम इसको रन करते हैं तो हमें आउटपुट सही मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है, या फिर आप इसका एक वेरिएबल बना लीजिए अलग से, डिस्प वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पर हमने इसको असाइन कर दिया 11 कॉमा, बस 11 कॉमा ही लिखना है, और ये डिस्प वैल्यू हमने यहाँ पर अल्टीमेटली लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप मैनुअली या तो वैल्यू दे दीजिए या फिर आप इस तरीके से एक वेरिएबल में असाइन करने के बाद उस वेरिएबल का नाम लिखिए, दोनों बात एक ही है, बट ये अलग क्लीन कोड माना जाता है तो आप इसको फॉलो करेंगे। सेव किया, सेव करने के बाद सेम प्रोसीजर इसको मैंने रन किया तो हमें आउटपुट देखने को मिल जाता है। सो होता ये है कि SQL जो अपने क्वेरी लिखा कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी परसेंट एस, इस परसेंट एस की जगह ये 11 चला जाता है, बिकॉज इसके अगेंस्ट में ये SQL क्वेरी हमारा रन करता है और ये हमारा यहाँ पर चला जाता है, मतलब 11 जो यहाँ पर चला जाता है। तो हम लोग कहते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज़ 11 और उसका डेटा आपको रिट्रीव होकर यानी कि फैच होकर दिखता है। ओके, सो लाइन वाला हमें ध्यान देने मतलब लाइन वाला हमें पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, होपफुली आपको ये बिकॉज कोड सिमिलर है और हमने काफ़ी बार डिस्कस किया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से SQL क्वेरी लिखा हमने, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लॉज स्टूडेंट आईडी परसेंट एस दिया, हमने कनेक्शन कर्सर ऑब्जेक्ट यहाँ से क्रिएट किया, माई सी मेरा कर्सर ऑब्जेक्ट है। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 11 कॉमा दिया। अभी 11 कॉमा क्यों दिया, बिकॉज ये टपल है, टपल में आप सिंपली इस तरीके से 11 नहीं लिख सकते हैं, ठीक, आपको 11 कॉमा लिखना पड़ेगा अगर एक वैल्यू होता है तो। अगर दो वैल्यू होता तो फिर आप 11 टू इस तरीके से लिख सकते थे, बट एक वैल्यू है तो आपको 11 के बाद यानी कि जो भी लिखते हैं उसका एक कॉमा देना पड़ता है, ये टपल का रूल है। देन ट्राई हमने लिखा, देन हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट मेथड का यूज़ करके इस SQL क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाया और इसमें साथ में हमने एक
पैरामीटर दिया हुआ है जो कि डिस वैल्यू में है, जो चला जाएगा इस परसेंट एस के पास। देन हम लोग कर्सर ऑब्जेक्ट का यूज़ करके फैच वन को कॉल कर लेते हैं, यह हमें डेटा फैच करके देता है इस रॉ में जिसको हमने यहाँ पर प्रिंट कर लिया है। देन टोटल रॉज में यहाँ पर कर्सर ऑब्जेक्ट का यूज़ करके रॉ काउंट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हमें काउंट करके बताता है कि कितने रॉ अफेक्ट हुए हैं। तो फिलहाल के लिए हमारा एक ही रॉ अफेक्ट होता है जो भी डेटा हमें निकलता है, तो हमें वन दिखाई देता है। कोई प्रॉब्लम होती तो अनेबल टू रिट्रीव डेटा हमें देखने को मिलता। कर्सर ऑब्जेक्ट हमने क्लोज कर दिया, हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्लोज कर दिया। उसके बाद सेव कर देते हैं इसको। सेव करने के बाद इसको वापस से रन करके दिखा देता हूँ। देखिए हमारा सही तरीके से रन कर। अब हमें इसी को यूज़र से अगर इनपुट लेना हो कि यूज़र बताएगा हमें कि उसको किन सी आईडी वाले की डेटा देखने का है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इस जगह पर क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। यानी कि 11 जो हमने यहाँ मैनुअली लिखा हुआ है वही यूज़र इनपुट करके हमें देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एन इक्वल इंट इनपुट और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इंटर स्टूडेंट आईडी टू डिस्प्ले। देन ये एन में चलाएगा जब इनपुट करेगा और यहाँ पर एन हम लोग सिंपली लिख देंगे। बस आपको इतना ही करना और कुछ भी नहीं करना। सेव किया, इसको सेव करने के बाद इसको क्लियर करके रन करते हैं। ओके कनेक्टेड हो गया। हमें पूछ रहा है स्टूडेंट इंटर स्टूडेंट आईडी टू डिस्प्ले, तो हमें 11 नंबर को देखना है। तो मैंने 11 प्रेस किया, मुझे 11 का डेटा दिखाई देगा। अगर मुझे मान लीजिए कि ये मेरा एसक्यूएल का कमांड लाइन है, मान लीजिए कि मुझे 16 का देखना है, तो मैं 16 लिखूँगा यहाँ पर रन करके। मैंने किया इसको रन और मैंने यहाँ लिखना है 16 और इंटर प्रेस किया, तो मुझे ये 16 का डेटा दिखाएगा। सो ये हमारा हो गया कि आप किस तरीके से यूज़र्स इनपुट ले सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल रॉ हमें आउटपुट स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। अब कभी कभी क्या होगा, कभी कभी को मल्टीपल रॉज मिलेंगे, मल्टीपल आउटपुट यहाँ पर मिलेंगे, यानी कि मल्टीपल सेट ऑफ वैल्यूज़ मिलेंगे। तो उस केस में कैसे आप उसको अचीव करेंगे ये मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।